मुरादाबाद जिले की मतदाता सूची भी अब आधार नंबर से लिंक होगी। मतदाताओं के आधार नंबर को मतदाता पहचान से लिंक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर मतदाताओं से उनके आधार कार्ड की कॉपी को एकत्रित करेंगे। ये कार्य जिले में 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। आयोग की ओर से चुनाव के दौरान फर्जी मतदाता और फर्जी मतदान की शिकायतों को रोकने के लिए शुरू की गई है। BLO द्वारा जुटाए गए आधार नंबरों के ब्यूरो के आधार पर मतदाता सूची के नाम, जन्म तिथि व अन्य जानकारियों को जोड़ा जाएगा। इस डाटा के फीडिंग के बाद मतदाता किसी भी चुनाव में एक से अधिक वोट नहीं डाल सकेंगे। चुनाव के दौरान प्रशासन को फर्जी मतदाता और फर्जी मतदान की बहुत शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसे रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी शुरू की गई है। इस अभियान के शुरू होने से पहले सभी BLO को इसका प्रशिक्षण संबंधित तहसीलों में दिया जाएगा। इसके बाद BLO 1 अगस्त से घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी ADM प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह ने दी है। अभियान शुरू होने वाला वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का क्या अभियान है और क्या अपील करना चाहिए? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं, सभी मतदाताओं के लिए उनके आधार कार्ड हमारे BLO को एकत्रित करने हैं और ये सहमति के आधार पर सभी मतदाताओं का आधार लिंक होना है हमारे मतदाता के सूची से। इसमें कई चीज़ें हैं, इसलिए नंबर एक तो है किसी का 2 जगह अगर होगा तो आधार कार्ड का लिंक हो जाएंगे तो उनको पकड़ में आ जाएंगे नंबर एक पर। दूसरा, अब आगे भविष्य में इन प्रारूप 6, 7, 8 से परिवर्तन किया है जिसको भी आधार से लिंक के आधार पर इसको कर दिया गया है। आयोग के द्वारा पहली बार फॉर्म 6 संशोधन किया गया, उसमें 6B बनाया गया है और इसके लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रोग्राम है। और हमारा जो विशेष तिथियाँ हैं, जो बूथ हमारे BLO हमारे बूथ पर बैठेंगे, वो 7 तारीख और 21 तारीख रविवार के ये बूथ पर रहेंगे। और सबसे अनुरोध यही है कि उस दिन सब लोग अपने अधिसूचित आधार की फोटो कॉपी हमारे BLO को प्राप्त करा दें, वैसे घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। तो द्वारा बहुत सख्त निर्देश ये दिए गए हैं, जो भी आधार पर लिंक करेंगे, जो कॉपी होगी उसकी, वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने डबल लॉक में उसको सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि कोई आधार गलत ना हो जुड़ जाए और इस तरह की कोई गलत चीज़ें ना हो जाए, वो सुरक्षित अपने रिकॉर्ड में रखी जाएगी।